आज महाराष्ट्र की विधानसभा का काला दिन है। महाराष्ट्र में जो यूनिवर्सिटी एक्ट का अमेंडमेंट बिल लाया गया था उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। बिना चर्चा के जब चर्चा ठीक से चल रही थी ऐसे समय उस बिल को चर्चा रोककर मंजूर किया गया। एक प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई। और यह बिल क्या है तो आज हम सब लोग ये प्रयास करते हैं कि हमारा यूनिवर्सिटी का जो शिक्षण है या हमारी यूनिवर्सिटीज है, हमारे विश्वविद्यालय है, इनको राजनीति से दूर रखा जाए। किंतु इस बिल के कारण महाराष्ट्र के उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री को उपकुलपति का दर्जा मिला है और उपकुलपति के रूप में प्रो चांसलर के रूप में वे इन सारे विश्वविद्यालयों में प्रशासकीय और एकेडमिक डिसीजंस ले पाएंगे या उस प्रकार के निर्देश दे पाएंगे। इतना ही नहीं तो सीनेट की अध्यक्षता भी वो कर पाएंगे। इतना ही नहीं तो कॉन्वोकेशन की अध्यक्षता भी वो कर पाएंगे। इस प्रकार के कुछ बदलाव किए गए हैं जिन बदलावों के कारण महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी को एक प्रकार से उन्होंने सरकारी महामंडल के रूप में इस्तेमाल करने का विचार किया है। यह स्पष्ट दिखता है। इसका हम विरोध करते हैं। यहां पर हमको रोका गया, यहां पर लोकतंत्र की हत्या की गई। हम जनता के कोर्ट में भी जाएंगे, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे, हम राज्यपाल जी के पास भी जाएंगे और जनवरी महीने में महाराष्ट्र के सारे विश्वविद्यालयों में भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा और जितने लोग यूनिवर्सिटी को बचाना चाहते हैं ऐसे सारे के सारे लोग आंदोलन शुरू करेंगे। और जब तक ये जो कानून तैयार हुआ है ये सरकार वापस नहीं लेती तब तक हम लोग संघर्ष करेंगे। सरकार का क्या खोला है ऊपर विश्वास देवर का है कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव ले रहे हैं या बिल गिरा। देखिए ये सरकार हमको ऐसा लगता है अल्पमत में है, ये आर्टिफिशियल बहुमत में दिखती है सरकार, क्योंकि इनके विधायकों में सरकार के प्रति इतना गुस्सा है कि उनको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी चांस मिला तो ये विधायक गुस्सा निकालेंगे। इसलिए अध्यक्ष का चुनाव उन्होंने टाला। अध्यक्ष के चुनाव के समय उन्होंने सीक्रेट बैलेट को भी बदला और आज भी जब सभागृह चल रहा था तो उनके कुछ विधायक उनको ही गाली देकर बाहर गए। और अगर यहां पर वोटिंग होता तो शायद वो हार जाते। इस हार के डर से उन्होंने इस प्रकार से इसको पारित किया है।